क्या इसी चीज को मैनेज करके जितना कम डैमेज हो उतना ही करना बेटर है या फिर कलम नीचे रख के रोना पीटना बेटर है। कोशिश करिएगा अपने से एक साल सीनियर से जरूर डिस्कस करिए जिन्होंने जेई मेंस दिया है, वो आपको वही चीजें बताएंगे जो आप कर रहे हैं, मींस वही गलतियां जो उन्होंने करी हैं वही आप भी कर रहे होंगे। अभी आप बहुत भागेंगे, सर ये एडवांस। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई एचसी वर्मा लगा ली होती तो अच्छा लगता आज, तो सभी ने बोला यस, ठीक है सर, नोट्स पढ़ लिए होते तो और अच्छा लग रहा होता, सर बैकलॉग नहीं बनाया होता तो और अच्छा लग रहा होता। अब पता क्या है, वहां पर कुछ बच्चों के जेई मेंस में मार्क्स ऐसे आ गए हैं जहां पर उनको अब कंफ्यूजन हो रहा है, वो प्रॉपरली एडवांस की सोच ही नहीं सकते। अब देखो अगस्त 20 के अराउंड ही हमारा जेई एडवांस का टाइम, जुलाई पूरा और अगस्त मतलब आपके पास 45 डेज अप्रोक्सीमेटली मिल जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट। और आप लोगों की तो और अच्छी बात यह है कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में आएगा। तो आपको अगर आपने जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में मैक्सिमम स्कोर कर लिया, मैक्सिमम मींस इतना कर लिया कि आपका एनआईटी हाथ में आ गया, एनआईटी ठीक है, एनआईटी की एक अच्छी ब्रांच हाथ में आ गई, तो मैं कहूंगा कि आपके लिए एडवांस के लिए बहुत टाइम मिल जाना है। सबसे पहले जेई मेंस छोड़ना फर्स्ट टारगेट, जेई मेंस में 200-250 से प्लस ले आओ, एक एनआईटी की ब्रांच हाथ में रख लो। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने इतना कर लिया ना बेटा, बोर्ड्स भी टेंशन फ्री दोगे और जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी टेंशन फ्री दोगे और आप अपने एडवांस के लिए काफी टाइम सेव कर चुके हो। बच्चों ने अप्रोक्सीमेटली 50 या 60 मार्क की गलतियां करी है, सभी बच्चों ने सारे सब्जेक्ट में मिला के सबके, बहुत ही 2-3 बच्चे थे जिन्होंने बताया कि उनकी नो नेगेटिव मार्किंग है। अब पता है क्या है, उन सारे बच्चों ने ये चीज एग्री करी, क्योंकि जब गलती हो जाती है ना तब पता लगता है, उन सभी बच्चों ने एग्री करा कि सर हम टेस्ट नहीं दे रहे थे तो टेम्परमेंट नहीं पता था। एक बच्चे ने बोला कि सर मेरा फिजिक्स का बहुत अच्छा जा सकता था लेकिन मैं पैनिक कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये हो जाएगा लेकिन मैं पैनिक करके क्वेश्चन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने पहले टेस्ट नहीं दिए, एग्जाम का टेम्परमेंट नहीं सीखा कि कैसे एग्जाम दिया जाता है, टेस्ट की एनालिसिस नहीं करी, ठीक है पीवाईक्यूज ढंग से सॉल्व नहीं करे। तो ये सारी पैरामीटर्स जो आपके सीनियर्स ने आपके टाइम अपने टाइम पर गलती करी है, प्लीज आप मत दोहराइए कि भाई कि मैं नेगेटिव नहीं खाऊं, मेरे को ये पता लग जाए कि कौन सा मेरा खोखला टॉपिक है या जिसको मैंने पढ़ा है लेकिन फिर भी वो मेरे को नेगेटिव दे रहा है, किसमें मेरे को और इंप्रूवमेंट करनी है। ये तैयारी सिर्फ और सिर्फ आपकी, आपको इससे लेना देना नहीं है दूसरे के कितने मार्क्स आ रहे हैं। लिटरली बता रहा हूं, जो बच्चा यहां पर अपने पे फोकस कर जाएगा ना वो डेफिनेटली जेई मेंस भी फोड़ देगा और जेई एडवांस भी फोड़ देगा, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। जरूर ये देखिए कि आपसे क्या गलतियां हुई, जो गलतियां हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो नहीं हुआ वो फिर भी चलो छोड़ सकते हो, लेकिन जो गलतियां हो रही हैं अगर आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को रोक लोगे ना बेटा, आप जितनों ने भी टेस्ट दिया है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, जितनों ने भी टेस्ट दिया है ना, अगर आप 10 क्वेश्चन भी कुल मिला के गलत कर रहे हो ना तो 40 मार्क, अगर देखो पार्शियल इन्फॉर्मेशन की वजह से गलत होता है या कैलकुलेशन मिस्टेक्स या सिली मिस्टेक्स की वजह से होता है, जिसको आप कैलकुलेट आउट करके या फिर प्रैक्टिस करके रोक सकते हो, ठीक है। 10 क्वेश्चन भी अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में मिला के गलत कर दिए तो 40 मार्क्स तो वो जोड़ने हैं आपको जो आपके आ सकते थे, और प्लस -1 आपको हर क्वेश्चन में मिला है, मतलब 50 मार्क आप अपने स्कोर में जोड़ सकते हैं बहुत डायरेक्टली अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्या इसी चीज को मैनेज करके जितना कम डैमेज हो उतना ही करना बेटर है या फिर कलम नीचे रख के रोना पीटना बेटर है? अब आपको यह सोचना है, कोई भी जो प्रेजेंट सिनेरियो की आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो कम नहीं होने वाली, वो बढ़ने ही वाली, ठीक है, तो अब आप उसको अपने हिसाब से ढाल लो या फिर उसके हिसाब से गिव अप कर दो। क्लियर।